अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फिनॉल्स। इनफैक्ट हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वही डिस्कस कर रहे हैं। फिनॉल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने जो सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो एसिडिक कैरेक्टर जो था हमने एक्सप्लेन किया हुआ था। यानी कि हमने बोला था ये जो फिनॉल होते हैं ये एसिडिक होते हैं। क्यों होते हैं इसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। दीज आर एसिडिक, ये हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, ऑलरेडी हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। आज की जो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी, फिनॉल की जो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी, आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका मतलब है हमारा दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा, इसका दूसरी केमिकल रिएक्शन जो रहेगी फिनॉल की, वो यही रहेगी रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फिनॉल होते हैं हमारे, फिनॉल एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं। कैसे करते हैं वही हमने आज डिस्कस करना है। डज फिनॉल्स रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड्स? यस, डू दे रिएक्ट विद फिनॉल्स टू फॉर्म एस्टर्स। ये वाली रिएक्शन जो होती है, जब भी हमारा फिनॉल एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें एस्टर बन जाता है। इसका जो प्रोडक्ट बन जाता है वो ऐसे एस्टर बन जाता है, इसीलिए इसको एस्टरफिकेशन का नाम भी दिया गया है। इसीलिए ये वाली रिएक्शन का हम एक और भी नाम देंगे जिसको हम एस्टरफिकेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्यों एस्टरफिकेशन रिएक्शन बोलेंगे? बिकॉज व्हेन फिनॉल्स आर ट्रीटेड विद एसिड क्लोराइड्स एस्टर्स आर फॉर्मड, दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एस्टरफिकेशन रिएक्शन। इसके बाद इसका एक और नाम भी दिया गया है, इसको एसाइलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। एसाइलेशन रिएक्शन भी इसी को बोलते हैं। एसाइलेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं ये आपको मैकेनिज्म में समझ आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा यहाँ पे बता दूं आपको। बेसिकली ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन फिनॉल एंड एसिड क्लोराइड इट इज द एसाइल ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ, CH3C(O), ये वाले ग्रुप को हम एसाइल ग्रुप बोलते हैं। ये वाला एसाइल ग्रुप जो है During the reaction between phenol and acid chloride, it is the acyl group. That means CH3CO. या इसकी जगह हम ऐसे भी बोल सकते हैं, it is the RCO group which gets attached to the oxygen atom of the phenol. इसीलिए इसको acylation भी बोलते हैं। Acylation का मतलब क्या हुआ? Addition of acyl group to the phenol. Addition of acyl group, RCO group, to the phenol. That is why this reaction is called as acylation. So, हमारी जो आज की reaction है, this is the reaction of phenol with acid chloride, या जिसका नाम दिया गया है, दूसरा नाम दिया गया है esterification. Why esterification? Because the product formed during this reaction is ester. और इसका एक और नाम भी दिया गया है जिसको बोलेंगे एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? बेसिकली ये जो रिएक्शन है इसमें एसाइलेशन हो जाती है, एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप टू द फिनॉल, इसीलिए एसाइलेशन हो जाती है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। हमारा ये जो फिनॉल है C6H5OH, ये रिएक्ट करता है एसिड क्लोराइड के साथ। एसिड क्लोराइड का मतलब क्या हुआ, एसिड क्लोराइड की जनरल फार्मूला जो है वो RCOCl है। ये R जो हो सकता है, ये R जो है अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और अराइल ग्रुप भी हो सकता है। इसकी जगह आप AR भी लिख सकते हो, RCOCH3CLCl। इसका मतलब है R की जगह अल्काइल ग्रुप, मिथाइल CH जैसा मैंने यहां पे लिया हुआ है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, और R की जगह अराइल ग्रुप भी हो सकता है। अराइल ग्रुप का मतलब क्या हुआ, ये C6H5 भी हो सकता है, यानी कि फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है, एरोमेटिक ग्रुप भी हो सकता है, जैसा कि मैंने दूसरी एग्जांपल ही ली हुई है, C6H5 ये भी हो सकता है, C6H5 भी हो सकता है। इन दोनों के साथ इसको रिएक्शन करा लेंगे, फिनॉल को रिएक्शन करा लेंगे पहले एसिड क्लोराइड के साथ। ये एसिड क्लोराइड जो है, एसिड क्लोराइड हम दो तरह का लेंगे, दोनों की एग्जांपल क्लियर करेंगे। इसको R भी लेंगे यहाँ पे RCOCl, इसको इसकी जगह हम ARCOCl भी लेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने बेंजोइल क्लोराइड की एग्जांपल ली हुई है और मैंने एसिटाइल क्लोराइड की एग्जांपल ली हुई है। दोनों केसेस में हमारा क्या करता है, ये जो फिनॉल है इट रिएक्ट्स विद एसिड क्लोराइड, या मैं ऐसे भी बोलूं इट रिएक्ट्स विद एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पाइरीडीन टू फॉर्म द एस्टर।
जो हमारा ये एस्टर बन जाएगा वो फिनाइल एस्टेट बन जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपने ये एसिड क्लोराइड जो है ये ARCOCl यानी कि एरोमेटिक एसिड क्लोराइड लिया हुआ है, जिसका कि मैंने एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, हमने बेंजोइल क्लोराइड लिया हुआ है, आप CH3 की जगह C6H5, फिर से यहां देख लो CH3 की जगह मैंने C6H5 लिया हुआ है, यानी कि मैंने जो ये एसिड क्लोराइड लिया है ये मैंने एरोमेटिक लिया हुआ है। अगेन क्या हो जाता है, अगेन हमारा फिनाल जो है C6H5OH ये रिएक्शन करेगा बेंजोइल क्लोराइड के साथ, बेंजोइल क्लोराइड भी एसिड क्लोराइड ही है लेकिन ये इसका मैंने अभी एक्सप्लेन किया हुआ है यहां पर R की जगह AR लिया है मैंने, C6H5 लिया हुआ। फिनॉल रिएक्ट्स विद बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां पर रिएक्शन करेगा ये, और ये भी हमारा ये एस्टर ही बनाएगा, लेकिन ये वाला एस्टर जो बनेगा ये होगा C6H5OCOC6H5, जिसका नाम दिया गया है फिनाइल बेंजोइड। सो वी कैन से दैट फिनॉल इज रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड बोथ एलिफैटिक एज वेल एज एरोमेटिक फॉर्म द एस्टर लाइक दिस। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बिकॉज एस्टर्स आर फॉर्मड। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज एसाइलेशन रिएक्शन, ये आपको मैकेनिज्म से समझ आ जाएगा, बिकॉज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस रिएक्शन इट इज द असाइल ग्रुप CH3CO ग्रुप ऑफ दिस एसिड क्लोराइड विच गेट्स एडेड टू दिस फिनॉल, नॉट एसिड क्लोराइड एज ए होल, इट इज ओनली असाइल ग्रुप CH3CO या यहां पे मैं बोलूं C6H5CO जो कि ऐड हो जाएगा हमारे फिनॉल के साथ, जिसको आप मैकेनिज्म में समझ पाओगे, ये आपका क्वेश्चन जो है ये मैकेनिज्म में क्लियर हो जाएगा। होप आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। अब हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं, लेकिन यहां पे याद रखो, इन दोनों को डिस्कस करने से पहले यहां पे याद रखो, अगर मैंने फिनॉल को रिएक्शन कराया हुआ है बेंजोइल क्लोराइड के साथ, एसिड क्लोराइड लिया हुआ है मैंने, लेकिन एसिड क्लोराइड की मैं मैंने ये वाला लिया हुआ है जिसको हम बेंजोइल क्लोराइड बोलेंगे C6H5COCl, इस रिएक्शन को एक खास नाम दिया गया है जिसको हम स्कॉटन एंड बोमैन रिएक्शन बोलते हैं, स्कॉटन बोमैन रिएक्शन इस रिएक्शन को नाम दिया गया है। दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे, दोनों का हम मैकेनिज्म जानने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए इन दोनों का हम मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करेंगे, इसका मैकेनिज्म ही बेसिकली हमने समझना है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं या इसको एसाइलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। मैकेनिज्म पढ़ेंगे इसी का, मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, या तो हम ऐसे भी बोलेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बिटवीन फिनॉल एंड एसिड क्लोराइड। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप्स, ये रिएक्शन जो है ये फॉलोइंग स्टेप्स में कंप्लीट हो जाती है। एक्चुअली दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप, पहले स्टेप में क्या हो जाता है, अब आप यहां देख लीजिए ये हमारा फिनॉल है, ये है हमारा फिनॉल, इस पे ऐसे लोन पेयर रहती है, दो लोन पेयर रहती है, यहां से क्या आ जाता है CH3 आ जाता है C(OH)। मैंने इथाइल क्लोराइड यानी कि मैंने एसिड क्लोराइड लिया हुआ है CH3COCl, ये मैंने एसिड क्लोराइड लिया हुआ है। यहां पे देख लीजिए अगर आप एसिड क्लोराइड की तरफ देखोगे तो यहां पे कार्बन का जो बांड है वो क्लोरीन के साथ है, क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, लेकिन हमारा ऑक्सीजन जो है इट्स ए न्यूक्लियोफाइल, ये अपनी लोन पेयर जो है वो इसको देगा, ऑक्सीजन की लोन पेयर जो है ये कार्बन एटम को देगा। इसकी वजह से क्या है, अब कार्बन एटम के पास पहले से चार बॉन्ड थे, एक दो तीन और चार, अब यहां से इसने लोन पेयर डोनेट की तो इसका पांचवा बॉन्ड भी बन गया, बट वी नो कार्बन सिर्फ चार ही बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये पुराने बॉन्ड में से एक बॉन्ड को छोड़ेगा, यहां से पाई बॉन्ड शिफ्ट होके इधर चला जाएगा। ठीक, जब ये वाली प्रोसेस हो जाएगी, ये लोन पेयर इसको देगा कार्बन एटम को देगा, ये यहां से पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, इससे हमारा प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो ऐसे बन जाएगा,
को यहाँ से एज रहेगा, इसने लोन पेयर दिया हुआ है कार्बन को, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ, इस पे अब सिंगल बॉन्ड आ गया लेकिन नेगेटिव चार्ज, जब यहाँ से ही चला जाएगा तो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। इसके साथ में आरडी सीएल भी है और यहां से नीचे से CH3 है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ऑक्सीजन ने जो लोन पेयर दी है वो कार्बन को दी है, ऑक्सीजन ने लोन पेयर कार्बन को दी है, कार्बन ने ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है इसमें से पाई बॉन्ड को छोड़ के इधर शिफ्ट कर दिया है, इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया। ये सीएल भी ऐसे ही रहा, ये CH3 भी ऐसे ही रहा। क्लियर? अब क्या हो जाएगा, अब दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से जब इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन ने यहां से लोन पेयर डोनेट की है, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब दूसरे स्टेप में देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये हमारा फिनॉल है जो हम यहां से हमें प्रोडक्ट मिला हुआ है, इसमें थोड़ा बहुत रेअरेंजमेंट हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा देख लीजिए, लेकिन इस पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, यहाँ से सी है, यहाँ से ओ पे चार्ज नेगेटिव आया हुआ है, यहाँ से इसके साथ में CH3 अटैच ऑलरेडी है, यहाँ से सी है। अब क्या करेगा ये, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, ये पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर रहने नहीं देगा, इसकी वजह से ये इधर चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड अपनी तरफ देगा, एज ए रिजल्ट यहां से जो प्रोटॉन है वो रिलीज हो जाएगा, ऐसे माइनस एच पॉजिटिव, ये इसने छोड़ दिया, फिनॉल का एच बाहर आ गया, हमें पता है फिनॉल इज एसिडिक, इसलिए ये एच पॉजिटिव ही छोड़ेगा। हमारा जो यहां से प्रोडक्ट बनेगा देख लीजिए, अब यहां पे ओ रहा, इसके साथ सी, इसके साथ ओ, ओ पे नेगेटिव चार्ज, यहां से CH3, यहां से सी, इसका पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो गया, अब इसका ये वाले ऑक्सीजन चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रह गया, अब ये क्या करेगा, लेकिन यहां से प्रोटॉन भी मिल गया, ये अपना ये लोन पेयर जो है वो नीचे लाएगा, इसकी वजह से यहां से सीएल निकलेगा, ये जो सीएल निकलेगा, ये सीएल के साथ यहां से जो प्रोटॉन मिला था उसको आप यहां पे भी लिख सकते हो, ये सीएल जब बॉन्ड के साथ निकलेगा, इनियरी सीएल बॉन्ड है, अतिनियर सीएल नेगेटिव, ये सीएल नेगेटिव और ये आपस में कंबाइन हो जाएगा, ये एच सीएल बनाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा वो ऐसे रहेगा, देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये हमारा बेंजीन रिंग ऐसी, यहाँ पे ओ, यहाँ पे सी, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, ये तो खत्म ही हो गया, यहाँ से CH3, तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो एस्टर बन गया, फिनाइल इथेनॉएट हमारा एस्टर बन गया। ये है ये वाले रिएक्शन का मैकेनिज्म, व्हेन फिनॉल्स रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड दे फॉर्म एस्टर्स, कैसे एस्टर बनाता है, बिल्कुल ऐसे बनाता है, यही इसका मैकेनिज्म रहेगा। होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, फिर से मैं बोल देता हूं, फिनॉल्स रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड्स, पहले मैंने एग्जांपल जो ली हुई है वो मैंने एलिफैटिक एसिड क्लोराइड की ली हुई है, जिसमें मैंने एग्जांपल CH3COCl लिया हुआ है, ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दीज टू स्टेप्स हमारा एस्टर बनाएगा और साथ में HCl बाहर आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज एस्टरफिकेशन रिएक्शन, ये फिनॉल की रिएक्शन है, दैट मींस फ्रॉम फिनॉल्स यू कैन प्रिपेयर एस्टर, कैसे, लाइक दिस। अब मैंने पहले ही बोला हुआ है हमारा ये एसिड क्लोराइड जो है, आप यहां पे CH3 भी लिख सकते हो, आप यहां पे C6H5 भी लिख सकते हो। अब उसी का मैकेनिज्म देख लीजिए आप, ये वाला तो हो गया, अब दूसरा मैकेनिज्म देख लीजिए आप, देख लीजिए अब मैं क्या करूंगा, मैं फिर से फिनॉल लूंगा, मैं फिर से फिनॉल ही लूंगा, ये हमारा फिनॉल है, लेकिन अब मैं यहां से जो एसिड क्लोराइड लूंगा वो मैं बेंजोइल क्लोराइड लूंगा, वो मैं C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl लूंगा,
यानी कि जो मैंने बोला था एसिड क्लोराइड है, मैंने बोला था एसिड क्लोराइड आर सी ओ सी एल भी हो सकता है, या तो ये ऐसे भी हो सकता है ए आर सी ओ सी एल, या ये वाले, ये वाला हमने यूज करके देखा, ये वाला हमने इसके साथ रिएक्ट करके देखा, हमने एस्टर भी बनाया, लेकिन यहां से अब जो प्रोडक्ट बनेगा यहां से फिर से एस्टर ही बनेगा, लेकिन यहां से फिनाइल बेंजोएट बनेगा, इसका भी मैकेनिज्म हमने देखना है। देख लीजिए इस रिएक्शन को एक खास नाम दिया गया है, इसीलिए मैं इसको रिपीट कर लेता हूं, फिनॉल रिएक्ट्स विद बेंजोइल क्लोराइड, दिस इज फिनॉल, ये रिएक्ट करेगा बेंजोइल क्लोराइड के साथ, ये रिएक्शन करेगा बेंजोइल क्लोराइड के साथ, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, अल्कली में आप NaOH भी ले सकते हो, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली फिनॉल रिएक्ट्स विद बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड भी एसिड क्लोराइड है, लेकिन यहां पे मैंने R की जगह Ar लिया हुआ है, aryl ग्रुप लिया हुआ है, यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा यहां पे भी एस्टर ही बनेगा। यहां पे फिनाइल बेंजोइड बनेगा, फिनाइल बेंजोइड बनेगा। ये वाला जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को एक खास नाम दिया गया है, दिस इज ए नेम रिएक्शन, ये एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम दिया गया है, दिस इज ए नेम रिएक्शन। इस रिएक्शन को अगर मैंने फिनॉल को बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया तो ये वाली रिएक्शन का एक नाम हम खास देंगे, इसको हम सुकॉटन एंड बोमैन रिएक्शन बोलेंगे, सुकॉटन बोमैन, दिस इज सुकॉटन एंड बोमैन रिएक्शन। रिमेंबर, अगर फिनॉल ने रिएक्शन करा लिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ, इफ वी रिएक्ट फिनॉल विद बेंजोइल क्लोराइड इट अगेन फॉर्म्स एस्टर, लेकिन ये वाली रिएक्शन का एक खास नाम दिया गया है, दिस इज ए नेम रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज सुकॉटन एंड ब्रोमाइन रिएक्शन, इसका भी हमने मैकेनिज्म सीखना है। देख लीजिए इसका भी मैकेनिज्म सिंपल रहेगा, अब ये वाली रिएक्शन का आप मैकेनिज्म देख लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फिनॉल बिकॉज इट इज ए नेम रिएक्शन, इसका भी आप मैकेनिज्म देख लीजिए। यहां पे मैंने जो लिया हुआ है, यहां पे मैंने इस्तेमाल किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करेगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे हमारा Na और OH नेगेटिव देगा, ये तो सबको पता है। दूसरे स्टेप में देख लीजिए क्या हो जाएगा, दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, हमारा फिनॉल आ जाएगा, ये देखो मेरी तरफ ध्यान से देख लीजिएगा, ये हमारा फिनॉल है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, यहां तो आप ऐसे भी कह सकते हो ये अब एसिडिक है, ये एच पॉजिटिव देगा, यहां से जो एच पॉजिटिव देगा वो ओएच नेगेटिव इसके साथ मिलेगा, ऐसे भी आप कह सकते हो फिनॉल इज आर एसिडिक, हेंस दे विल गिव प्रोटॉन, दिस प्रोटॉन विल कंबाइन विद ओएच नेगेटिव, ओएच नेगेटिव ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, बना दिया इसने वाटर मॉलिक्यूल, और यहां से हमारा फिनॉक्साइड आयन मिल गया, यहां से हमारा फिनॉक्साइड आयन बन गया, हमारा फिनॉक्साइड आयन बन गया, क्लियर। फिर से देख लीजिए, ऐसे भी मैं बोल सकता हूं ये हमारा हाइड्रोक्सल आयन OH नेगेटिव आयन जो है इस पे लोन पेयर है, ये अपनी ये लोन पेयर हाइड्रोजन को देगा यहां से बिकॉज इट इज पार्शियल पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड जो है ये हम हो जाएगा, एज ए रिजल्ट OH नेगेटिव कंबाइन करेगा एच पॉजिटिव के साथ, हमारा वाटर बन जाएगा और साथ में क्या मिलेगा, हमारा फिनॉक्साइड आयन, क्लियर। अब यही फिनॉक्साइड आयन बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, क्यों करेगा और कैसे करेगा वो आप यहां पे देख लीजिएगा, उसमें हम दूसरा स्टेप देख लेंगे। देख लीजिए ये सुकॉटन एंड बोमैन रिएक्शन कहलाता है, इसी का आप तीसरा स्टेप आप देख लीजिए, हमारा फिनॉक्साइड आयन जो दूसरे स्टेप में बन गया है यहां पे, ये हमारा फिनॉक्साइड आयन है, ये है हमारा फिनॉक्साइड, अब यही बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएगा, देख लीजिए ये है हमारा बेंजोइल क्लोराइड, यहां पे फिर से इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा,
ये अपनी ये लोन पेयर ये वाले कार्बन को देगा, सिंपल कथ ऑक्सीजनस पे लोन पेयर बेचु न्यूक्लियोफाइल। चूंकि यमिस पॉजिटिव चार्ज यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर यम सज यह लोन पेयर कर पन डोनेट यह दी यमिस कार्बनस ये कार्बनस दी अम बदल त्राई ये पाई बांड पन कमजोर वीक पाई बांड खस ऑक्सीजनस पे। इसलिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा ऐसे बनेगा, देख लीजिए। ये वाले स्टेप में हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे बनेगा, ऑक्सीजन इसने अपना बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया हुआ है, कार्बन के साथ पहले से ही C6H5 अटैच्ड है, यहाँ से ऑक्सीजन था, ये दो बॉन्ड थे लेकिन दो में से एक इधर चला गया, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज, पहले से इस पे दो लोन पेयर थे, अब यहाँ से एक और आ गया, यहाँ से इसमें क्लोरीन है, समझ आ गया। फिर से देख लीजिए हमारा फिनॉक्साइड आयन जो है, फिनॉक्साइड आयन किस ऑक्सीजनस पे लोन पेयर बेच नेगेटिव चार्ज, अमिस रिएक्शन करें बेंजोइल क्लोराइड से, बेंजोइल क्लोराइड में इस कार्बन अमिस बॉन्ड क्लोरीन सीमित पॉजिटिव चार्ज पार्शियल अमिस नेगेटिव चार्ज, इसलिए बनो यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, यह बनो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये कर कोशिश पानी लोन पेयर वन यमिस दिन दिवन लोन पेयर, इसलिए बनो बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन से, ये थी मे नजर ये ऑक्सीजन कर लोन पेयर वन डोनेट यमिस अमिस खस पॉजिटिव चार्ज, डोनेशन सत खस पॉजिटिव चार्ज, मगर पहले से इस पे नेगेटिव चार्ज है, दिस न्यूली क्रिएटेड पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज विल गो, हमारा ऑक्सीजन न्यूट्रल रहेगा, लेकिन कार्बन पे एक और बांड आ गया, यहां से जो उसने बना लिया इसकी जगह ये पुराना एक बांड छोड़ेगा, ये कर पन बांड शिफ्ट ये पे ऑक्सीजन कुन, इसलिए यमिस पे खस नेगेटिव चार्ज। अब क्या हो जाएगा, अब फाइनली रीअरेंजमेंट हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली हमारा रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ये लोन पेयर कर काम वही ये त्राई बोन कुन, ये हमारी लोन पेयर जो है ये नीचे आ जाएगी, इसकी जगह क्लोरीन हमारा क्लोराइड आयन बाहर आ जाएगा, माइनस सी एल नेगेटिव जो है वो बाहर आ जाएगा, ये एन ए पॉजिटिव के साथ भी मिल सकता है या यहाँ से एच वाटर से भी एच पॉजिटिव निकाल सकता है, वो तो अलग बात है। तो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, देख लीजिए ये ऑक्सीजन ये कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में अब डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ से C6H5 फिनाइल बेंजोइड, ये भी एस्टर ही बनेगा, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द स्कॉटम एंड बोमैन रिएक्शन। फिर से सुन लीजिए, अगर फिनाल ने रिएक्शन किया बेंजोइल क्लोराइड के साथ तो इसको स्कॉटम बोमैन रिएक्शन बोलेंगे, जिसका मैकेनिज्म ये है, ये वाली रिएक्शन में हम अल्कली यूज करते हैं, अल्कली जो है वो हमारा OH नेगेटिव देता है, उससे हमारा फिनॉक्साइड आयन रिलीज हो जाता है, यही फिनॉक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है और ऐसे रिएक्शन करके हमारा एस्टर बना देता है। होप आप लोग सब लोगों को ये समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो इससे आगे दूसरा वीडियो हम अपलोड करते हैं। थैंक यू।